हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल डे सूड सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण की महत्वपूर्ण टॉपिक, स्वयं के पर्यावरण को समझना। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें बिल्कुल वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक मिनट। प्रकृति के किस तत्व के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं? ऑप्शन ए जैव अजैव, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो इसका अगर राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकृति के किस तत्व के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैव अजैव। तो प्रकृति के जैव अजैव तत्व के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन है जहां पर्यावरण के सभी घटक विद्यमान हैं? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन है पूछा गया है, जहां पर्यावरण के सभी घटक विद्यमान हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी, ठीक है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहां पर्यावरण के सभी घटक क्या विद्यमान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पर्यावरण की श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी ये सभी। तो पर्यावरण की श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है ये पूछा गया है। तो हम बात करें पर्यावरण की श्रेणी की, तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, ये सभी सभी क्या है, पर्यावरण की श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया आपके स्क्रीन पर। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी रीति रिवाज। तो पूछा गया है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की, तो घर होगा, परिवार होगा, रीति रिवाज होगा, ये क्या होगा, शामिल होगा। लेकिन जल जो है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव है। सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निर्मित भूदृश्य होता है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी बैंक बीमा, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी ये सभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निर्मित भूदृश्य होता है, परिवहन, बैंक बीमा, खेत, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी भाषा, ठीक है। तो मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुकूलन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुकूलन। मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण को अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण को अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर सेवन। मानव समूह अपना सामाजिक समन्वय कैसे स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए दिया है पोषण, ऑप्शन बी दिया है समूहीकरण, और ऑप्शन सी दिया है प्रवास, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी। मानव समूह अपना सामाजिक समन्वय जो है पोषण, समूहीकरण और प्रवास के माध्यम से स्थापित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी। मानव समूह अपना सामाजिक समन्वय कैसे स्थापित करता है, तो पोषण, समूहीकरण और प्रवास, ये सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट।
सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है अनुक्रमण, ऑप्शन बी मानसिक क्षमता, ऑप्शन बी आयु वर्ग और ऑप्शन डी जाति रचना। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन है अनुक्रमण। ठीक है, तो सांस्कृतिक पर्यटन की शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुक्रमण ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सांस्कृतिक पर्यटन के महत्व में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या वितरण, ऑप्शन बी भूदृश्य और ऑप्शन सी यंत्र और ऑप्शन डी कला। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, सांस्कृतिक पर्यटन के महत्व में कौन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या वितरण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या वितरण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए जनसंख्या वितरण। सांस्कृतिक पर्यटन के महत्व में कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जैविक आवश्यकताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी पेय पदार्थ, ऑप्शन सी वस्त्र और ऑप्शन डी मानव बसाव। जैविक आवश्यकताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन ए अन्वेषण होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन ए अन्वेषण। जैविक आवश्यकताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अन्वेषण, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक व्यवसाय का प्रतिरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक व्यवसाय, ऑप्शन बी दिया है निर्माण उद्योग, ऑप्शन सी दिया है नौकरी और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी ये सभी होगा। आर्थिक व्यवसाय का प्रतिरूप निम्नलिखित में से कौन सा है, प्रारंभिक व्यवसाय, निर्माण उद्योग, नौकरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये सभी जो है क्या है, आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक पर्यटन में और व्यापक अर्थव्यवस्था में सभी बाहरी कारक शामिल हैं। ऑप्शन ए तत्काल बाजार, ऑप्शन बी पूंजी बाजार, ऑप्शन सी मुद्रा बाजार, ऑप्शन डी शेयर बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसका आंसर दीजिए। तो हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तत्काल बाजार। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण में और व्यापक अर्थव्यवस्था में सभी बाहरी कारक शामिल है, तत्काल बाजार। ठीक है, तो ये था 12वें नंबर क्वेश्चन। सामाजिक संगठन में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी प्रथा। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। सामाजिक संगठन में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी संस्था होगा। ठीक है, सामाजिक संगठन में संस्था को शामिल नहीं किया जाता है, इसके अलावा नियम, आदर्श और प्रथा को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांस्कृतिक पर्यटन का तत्व है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यटन का तत्व है भाषा, साहित्य, दर्शन, ये सभी क्या है, सांस्कृतिक पर्यटन का तत्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया। पर्यावरण का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए संविधान निर्माण, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी ये सभी। तो पर्यावरण का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो संविधान निर्माण, समाज और व्यवसाय, ये सभी क्या है, पर्यावरण के परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित वस्तु है, तो ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी रीति रिवाज, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी रहन सहन। तो हम बात करें मानव निर्मित वस्तु की, तो क्या है, भवन जो है मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी है भवन। ठीक है, मानव निर्मित वस्तु भवन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपके स्क्रीन पर। पर्यावरण की निर्जीव वस्तु में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी जीवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निर्जीव वस्तु में किसे शामिल किया जाता है, तो निर्जीव वस्तु पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। ठीक है, पर्यावरण की निर्जीव वस्तु में सूर्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वनस्पति की बात करें तो सजीव वस्तु की बात करें
हाँ तो वो भी क्या होगा, सजीव के अंतर्गत आएगा। जीवन की बात करें तो भी क्या होगा, सजीव के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सूर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। जलवायु संबंधी कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी उमस और ऑप्शन डी वर्षा। तो जलवायु संबंधी कारक पूछा जा रहा है, तो हम बात करें जलवायु संबंधी कारक के, तो तापमान और उमस और वर्षा क्या है, जलवायु संबंधी कारक है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में जलवायु संबंधी कारक नहीं है कौन सा। ठीक है, तो जल जो है जलवायु संबंधी कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जलवायु संबंधी कारक नहीं है कौन सा, नहीं है तो जल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन ए विभिन्न प्राणियों में, ऑप्शन बी सजीव निर्जीव में और ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया को वर्गीकृत कर सकते हैं विभिन्न प्राणियों के प्राणियों में, सजीव निर्जीव में और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके हस्तक्षेप से पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है, तो ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी मानव और ऑप्शन सी मानव निर्मित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम किसके हस्तक्षेप से पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है, तो मानव के हस्तक्षेप से पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मानव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पर्यावरण के किस घटक में होने वाली अंतःक्रिया जटिल होती है, क्वेश्चन दिया हुआ है पर्यावरण के किस घटक में होने वाली अंतःक्रिया जटिल होती है, ऑप्शन ए दिया प्रकृति, ऑप्शन बी दिया वर्षा, ऑप्शन सी दिया मानवीय और ऑप्शन डी दिया तूफान। तो पर्यावरण के मानवीय घटक में होने वाली अंतःक्रिया क्या होती है, जटिल होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मानवीय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, मानव पर्यावरण के किस घटक पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी अजैविक, ऑप्शन सी वनस्पति और ऑप्शन डी क्या है वन्य उत्पाद। ठीक है, तो मानव पर्यावरण किस घटक पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा जैविक। ठीक है, तो मानव पर्यावरण जो है जैविक घटक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जैविक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखने में कौन सहायता करता है, तो ऑप्शन ए दिया है मानव, ऑप्शन बी दिया है प्रकृति और ऑप्शन डी दिया है, सॉरी ऑप्शन ए दिया है मानव, ऑप्शन बी दिया है प्रकृति और ऑप्शन सी दिया है हरे पौधे और ऑप्शन डी दिया है जंतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। ठीक है, तो हरे पौधे जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखने में कौन सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे जो है प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्म प्राणी हमारी सहायता किस तरह करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया सोया बनाने में, ऑप्शन बी दिया सांस बनाने में और ऑप्शन डी दिया शराब बनाने में और ऑप्शन डी दिया ये सभी। तो सूक्ष्म प्राणी जो हमारे साथ इस तरह करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। जहाँ भी ये सभी देखने को मिल जाए लगभग लगभग उसका आंसर ये सभी ही होता है, तो ध्यान में रखिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन का। ठीक है, तो सूक्ष्म प्राणी हमारे साथ किस तरह करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, सोया बनाने में, सांस बनाने में और शराब बनाने में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, सूक्ष्म प्राणियों से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन ए खाद्य विषाक्तता, ऑप्शन बी एड्स और ऑप्शन सी कंजक्टिवाइटिस और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ये सभी ही होगा। ठीक है, ये भी ये सभी वाला क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म प्राणियों से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, खाद्य विषाक्तता होता है, एड्स होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, ये सभी रोग जो है सूक्ष्म प्राणियों से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ कृति किसे माना जाता है, तो ऑप्शन ए दिया है पेड़ पौधे और ऑप्शन बी दिया है जीव जंतु और ऑप्शन सी दिया है मानव और ऑप्शन डी दिया है भूमि। ठीक है, तो पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ कृति किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानव को। ठीक है,
तो पर्यावरण की संस्कृति मानव को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे से, ऑप्शन बी खेत से, ऑप्शन सी खनिज से, ऑप्शन डी पर्यावरण से। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्यावरण से। जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्यावरण से। जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं जो है पर्यावरण से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पर्वत श्रेणियां मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। पर्वत श्रेणियां मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है? जलवायु, स्वास्थ्य, खनिज, ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक धरातली संरचना है? ऑप्शन ए वन संपदा, ऑप्शन बी चारागाह, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पठार, ठीक है। तो पठार क्या है? धरातली संरचना है, ठीक है। पठार एक क्या है? धरातली संरचना है, धरातली। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पठार। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मैदानी सभ्यता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी चारागाह, ऑप्शन डी पालना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो मैदानी सभ्यता को पालना कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पालना, ठीक है। मैदानी सभ्यता को पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जो मैदानी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो क्या हुआ है? मैदानों में हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट जो हुआ है मैदानों में हुआ है, ठीक है, अधिकांश जो सभ्यता का, इसलिए मैदानी सभ्यता को पालना कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? विश्व की अधिकांश सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जंगलों में, ऑप्शन सी पहाड़ों में, ऑप्शन सी नदी घाटियों में, और ऑप्शन डी मैदानी भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नदी घाटियों में। विश्व की अधिकांश सभ्यता का जन्म जो है नदी घाटियों में हुआ है, ठीक है। विश्व की अधिकांश सभ्यता की अगर बात करें जन्म होने की, तो नदी घाटियों में हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी नदी के किनारे में हुआ है, ठीक है, नदी घाटी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 32 आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्नलिखित में से किससे कौन सी मिट्टी मानव को आश्रय प्रदान करती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है मानव को आश्रय प्रदान करती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है मानव को आश्रय प्रदान करती है। चलो अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 33 स्क्रीन पर। आंतरिक जल संसाधन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए वर्षा का, ऑप्शन बी नदी का, ऑप्शन सी कुआं का, और ऑप्शन डी नलकूप का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नदी का। आंतरिक जल संसाधन में नदी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, ठीक है। आंतरिक जल संसाधन में नदी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। जलवायु एवं धरातली संरचना के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए खनिज की, ऑप्शन बी पर्यावरण की, ऑप्शन सी वनस्पति की, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। जलवायु एवं धरातली संरचना के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? तो जलवायु एवं धरातली संरचना के संयोग से जो उत्पत्ति होती है वनस्पति की, ठीक है। ये सभी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ये सभी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा वनस्पति की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर ये सभी नहीं होता है, अगर ये सभी वाले हैं तो आप लोग ये सभी हर बार लगाने की कोशिश ना कीजिए, गलत हो जाएगा। जलवायु एवं धरातली संरचना के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? तो वनस्पति की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रकृति वनस्पति से मानव को कौन सी वस्तु प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मारती लकड़ी, ऑप्शन बी दिया है कत्था, ऑप्शन सी चिरौंजा और ऑप्शन डी ये सभी। प्राकृतिक वनस्पति से मानव को कौन सी वस्तु प्राप्त होती है पूछा जा रहा है, तो इमारती लकड़ी भी प्राप्त होता है, कत्था भी प्राप्त होता है, चिरौंजा भी प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, ये सभी है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति से मानव को कौन सी वस्तु प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृषि भूमि में जीवांशुओं की मात्रा में वृद्धि कौन करता है, कृषि भूमि में जीवाश्मों की मात्रा में वृद्धि कौन करता है, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी खनिज और ऑप्शन डी वर्षा। ठीक है, तो जीवाश्मों की मात्रा में वृद्धि कौन करता है कृषि भूमि में, तो इसका आंसर होगा वन। ठीक है, ऑप्शन ए वन होगा, कृषि भूमि में जीवाश्मों की मात्रा में वृद्धि वन करता है। ठीक है, वन जो है कृषि भूमि में जीवाश्म की मात्रा में वृद्धि कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 37। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी वनस्पति और ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी धरातली संरचना। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, वनस्पति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करता है, तो वनस्पति जो है जलवायु को प्रभावित करता है, ध्यान में रखिएगा, वनस्पति जो है जलवायु को प्रभावित करता है वनस्पति। ठीक है, पेड़ पौधे जलवायु को प्रभावित करते हैं, वनस्पति जो है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, संपूर्ण औद्योगिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए वनस्पति पर, ऑप्शन सी खनिजों पर और ऑप्शन बी पर्वतों पर और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो संपूर्ण औद्योगिक विकास किस पर निर्भर करता है, औद्योगिक विकास की बात किया जा रहा है, तो औद्योगिक विकास जो है खनिजों पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि खनिज क्या है, एक हमारी अर्थव्यवस्था का एक साधन है, मुख्य एक प्रकार साधन है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास की बात करें तो खनिजों पर निर्भर करेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पे ऑप्शन जो है ऊपर नीचे टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खनिजों पर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों में अत्यधिक धनी है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र जो है खनिज पदार्थों में अत्यधिक धनी है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए दिया है मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया है पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया है पहाड़ी क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया है पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हम बात करें खनिज पदार्थों में अत्यधिक धनी क्षेत्र की, तो वो होगा पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्र जो होता है खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से अत्यधिक संपन्न होता है। ठीक है, अत्यधिक संपन्न होता है। ठीक है, पठारी क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पठारी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, जलवायु द्वारा मानव जीवन को कौन सा पक्ष प्रभावित करता है, ऑप्शन ए मानवीय संस्कृति, ऑप्शन बी मानवीय व्यवसाय, ऑप्शन सी ऑप्शन सी खाद्य पूर्ति और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, जलवायु द्वारा मानव जीवन को कौन सा पक्ष प्रभावित करता है, तो मानवीय संस्कृति प्रभावित करता है, मानवीय व्यवसाय प्रभावित करता है और खाद्यान्न पूर्ति भी प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी उनकी तैयारी में महत्वपूर्ण हेल्प हो सके। चलिए।